अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान शाह। टेंसेस से मुतल्लिक ये मेरी तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने टेंसेस की पहचान की बात की और दूसरी वीडियो में हमने पास्ट इनडेफिनेट टेंस की बात की। अभी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे। तो इससे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं। तो पहले जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि पास्ट की पहचान है था, थी, थे और कंटिन्यू की रहा, रही, रहे। तो इसकी पहचान बिल्कुल सादा है। फिक्रे के एंड पे रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। यानी कोई ऐसा काम जो माजी में जारी था, जो माजी में ही शुरू हुआ और माजी में फिर वो जारी रहा। तो इसके लिए अब इसकी सेंटेंस मेकिंग कैसे होती है, यानी इस टेंस को हम हाल कैसे करते हैं। तो पहले एक फिक्रा ले लेते हैं, जैसे वो पढ़ रहा था। तो अब पहले हम इसकी पहचान अगर देखें तो रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो इसकी पहचान में आपने याद रखना है कि हम वाज या वर का यूज़ करते हैं और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वो पढ़ रहा था, तो इसके अब ट्रांसलेशन हम करते हैं, ही वाज फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ही वाज रीडिंग। अब सवाल ये आता है कि वाज कहाँ पे यूज़ होता है और वर कहाँ पे यूज़ होता है। तो आप वी, वे और यू के साथ वर यूज़ करेंगे और बाकी जितने भी प्रोनाउंस हैं उनके साथ आप वाज यूज़ करेंगे। तो ये हमने सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया, यानी पॉजिटिव सेंटेंस बनाया है। अब हम इनके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो जब हम नेगेटिव करेंगे तो हम वर और वाज के साथ नॉट लगा देंगे। जैसे सपोज कर ले वो पढ़ नहीं रहा था, तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे नेगेटिव करते हैं, ही वाज नॉट रीडिंग। और अगर हम इंट्रोगेटिव करें तो फिर क्या होगा? हम वाज या वर जो हमने लगाया है, यूज़ किया है हेल्पिंग वर्ब, उसको हम स्टार्ट में ले आएंगे फिक्रे के स्टार्ट में। तो ये हो जाएगा वाज ही रीडिंग। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टेंस के साथ फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।